शताब्दी हॉस्पिटल के अंदर बियर और शराब की बोतल मिलने पर हंगामा। मुंबई उपनगर की कांदीवली में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी अस्पताल के अंदर शराब और बियर की बोतल मिलने पर आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। उत्तर मुंबई जिला आरपीआई के अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि शताब्दी अस्पताल के अंदर शराब और बियर की बोतल मिले हैं। इतना ही नहीं, रमेश गायकवाड़ ने कहा कि जब इस हॉस्पिटल के अंदर किसी मरीज के रिश्तेदार को नहीं छोड़ा जाता तो फिर अंदर शराब और बियर की बोतल कहाँ से आया है? क्या यहाँ के डॉक्टर और नर्स शराब पीते हैं? हॉस्पिटल के अंदर शराब कहाँ से आया, कौन पीता है, इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली में है, उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास, जहाँ गौड़ जी है उनके पास आए थे, हमारे पास भी आई थी, यादव जी है, जगत जी झालते है, फांसी जी है, और हम जब ये हम टीम यहाँ लेके आए शताब्दी हॉस्पिटल में, तो डीन मैडम से हम लोग ने मुलाकात की, उनको निवेदन दिया, और हमको उनको मिलने के बाद में हमको ऐसा एक न्यूज मिली कि यहाँ काफी सारे दारू के बॉटल भी यहाँ पड़े हैं। तो अभी हम यहाँ आए हैं, तो आपने अभी आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ क्वार्टर की बॉटल्स पड़ी है, बियर की बॉटल्स पड़ी है। अगर यहाँ सिक्योरिटी टाइट है, पेशेंट के जो रिश्तेदार है उनको यहाँ आने को मना करते हैं, लेकिन ये दारू की बॉटल और क्वार्टर यहाँ कौन पीता है? डॉक्टर पीता है, नर्सेस पीते हैं, या सिक्योरिटी का स्टाफ पीता है, कौन सा स्टाफ पीता है? सफाई यहाँ बरोबर होती नहीं है, वहाँ कचरा पड़ा हुआ है गेट के वहाँ, अभी यहाँ टेरिस पे और भी हमने देखा है कचरा वहाँ पड़ा है। ये बहुत एक नहीं नहीं ये हम यह मैनेजमेंट को हमारा पहले से डाउट है। डॉक्टर बाबा साहब के नाम पे जो हॉस्पिटल है उसको बदनाम करने का काम ये हो रहा है, और ये जानबूझकर हो रहा है, यहाँ के मैनेजमेंट से हो रहा है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के तरफ से हो रहा है, यहाँ का नर्सेस स्टाफ से हो रहा है, ये साजिश की बात है। और यह बहुत सालों से ये कंप्लेन हमारे पास आ रही है, लेकिन आज हमने यहाँ खुद आकर देखा तो यहाँ दारू पीने वाले बॉटल्स यहाँ पड़े हैं, बियर पड़े हैं, क्वार्टर पड़े हैं। अभी हम आरोग्य मिनिस्टर से और मुख्यमंत्री से इनके बारे में जल्द से मिलकर यहाँ के स्टाफ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।